लगता है कोई नहीं है, आसपास भी कोई नहीं है, यही मौका है। मेवालाल जी। हाँ जी। I must say, बंगला बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ओहो मैडम, मेंटेनेंस का यहाँ पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है, बल्कि देखिए मैंने यहाँ पर एक हाउसकीपर को रखा है जो हफ्ते में 2-3 दिन आके सारी साफ सफाई करके चला जाता है। देखिए ना कितना नीट एंड क्लीन है, और मैं तो यहाँ पर आता जाता ही रहता हूँ मैडम। मैडम प्लीज अब आप डील को डन कर दीजिए ना, देखिए आपको मुझ जैसा एस्टेट एजेंट नहीं मिलेगा। आई एम द बेस्ट मैडम। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? अरे मैंने इस पियानो को अभी भी बजते हुए सुना, आपने नहीं सुना? कैसी बात कर रही हैं आप मैडम, बगैर बजाए पियानो कभी अपने आप बजता है क्या? आपको गलत फहमी होगी। हाँ ये बात भी सही है, शायद मेरा वहम होगा। मैडम यहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा है, कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि पियानो अपने आप बजना शुरू कर रहा है। मैडम छोड़िए ना सारी बातों को, 50,000 रुपये भाड़े पर इस डील को डन कीजिए ना, 10,000 रुपये मुनाफा होगा। मैडम आप कहें तो मैं अपने सेक्रेटरी के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेजा दूँ, प्लीज़ मैडम। हाँ वैसे बंगला तो मुझे काफ़ी पसंद आया है, चलिए डील फाइनल करते हैं। थैंक यू मैडम। ये पकड़ी है घर की चाबी, आज के बाद ये बंगला आपका हुआ, आप जब चाहें यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हैं। मैं तो कहूँ कि आज से ही आप यहाँ पर अपनी नॉवल राइटिंग शुरू कर दीजिए। क्या हो गया रंगी?
इनका ऑक्सीजन मास्क निकालिए, नहीं मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। देखिए मैं इनका ऑक्सीजन नहीं निकाल सकती, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा नीमा। अरे ये लाइट कैसे ऑन हो गई? अभी अभी तो बंद करके आई थी। और ये पानी के गिरने की आवाज, अरे मैं तो नल बंद करके गई थी, ये अपने आप चालू कैसे हो गया? लगता है नल खराब हो गया है। नल तो नल, बल्ब को भी अभी खराब होना था। क्या मुसीबत है,
खामखा ही डर गई थी। टू माई डियरेस्ट डॉटर मनीषा। मनीषा कौन है? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेवालाल से बात करनी ही पड़ेगी। ये कैसा घर थमा दिया मेवालाल ने मुझे? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था कि मैडम पूरे शहर में इतना अच्छा घर आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ क्या मैडम? बिना स्विच ऑन किए बाथरूम की लाइट अपने आप ही जल जाती है, अपने आप ही बंद हो जाती है। नल अपने आप खुल जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है। कभी रोने की आवाज आती, कभी हंसने की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है ये दरबार बंगले की बात कर रही है। Excuse me. किस बंगले की बात कर रही हैं आप? दरबार बंगला। हाय, आई एम आदित्य खुराना। एक्चुअली दरबार बंगलो मेरे अंकल जगमोहन का है। हमने ये बंगलो लीज पे दिया हुआ मेवालाल को। यस सर। नेहा मैडम आपसे कुछ बात करना चाहती है। हेलो मेवालाल। मेवालाल ये कैसा घर दे दिया तुमने मुझे रहने के लिए? बिना बटन दबाए बाथरूम की लाइट अपने आप ही चालू हो जाती है, नल अपने आप चालू हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है। रिलैक्स मैडम, बंगला तो बहुत शानदार दिया है हमने आपको। हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी। मुझे तो प्लम्बिंग की प्रॉब्लम लगती है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब तक ठीक होगा? बस 2-3 दिन में मैं आ रहा हूँ ना। देखिए नेहा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मेवालाल वापस आएगा मैं खुद उससे बात करके आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा। अब एक काम कीजिए, आप मेरा कार्ड रख लीजिए और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। दैट्स नो प्रॉब्लम, आप ये कार्ड रख लीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स। ये दरबार बंगला आप ही ने लिया है? हाँ, क्यों? वो बंगला नहीं, भूतों का डेरा है। हाँ, पिशाच रहते हैं वहाँ, किसी को टिकने नहीं देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, भूतों का डेरा? परसों पहले दरबार फैमिली वहां रहती थी। मनीषा उनकी इकलौती लड़की थी, बहुत प्यार करते थे दोनों उससे। और एक दिन अचानक उस बंगले में मनीषा की लाश लटकी पाई गई। उसकी मौत कैसे हुई किसी को कुछ पता नहीं चला। कोई कहता है उसने खुदकुशी कर ली, तो कोई कुछ और कहता है। हाँ, लेकिन उस दिन से आज तक मनीषा की आत्मा उस बंगले में भटकती है। देखिए आई एम सॉरी बट मैं भूत प्रेत और आत्मा पे विश्वास नहीं करती। अब बिल्कुल ठीक कहती है, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज है ही नहीं। ए पीटर, तुमको कितने बार बोला हमारे क्लाइंट को भड़काने का नहीं। नेहा जी, ये पीटर है ना, सामने वाले शर्मा के यहाँ दलाल है। ये हमारे क्लाइंट को तोड़कर उनके पास ले जाता है और कमीशन खाता है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है? आप इसकी बात पर विश्वास मत करना। मेवालाल को आने दे, फिर तुझे देखती हूँ। चल चल निकलो यहाँ से। आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये लोग आपको बहका रहे हैं। मैडम मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, ये गली के नुक्कड़ पे चाय का ठेला है ना, वहीं मैं बैठा हूँ, कभी जरूरत लगे तो आ जाना। चल चल निकलो यहाँ से। किसी को टिकने नहीं देते हैं। बॉल कहां से आ गया?
ये तो किसी बच्चे का कमरा लगता है, ये सारे खिलौने। लगता है ये मनीषा होगी। कितनी सुंदर लड़की है। व्हीलचेयर किसकी होगी? मैं जानता हूं कि तुम भूत प्रेत अंधविश्वास जैसी बातों पर यकीन नहीं करती। क्या ये सब चीजें वाकई में होती हैं या फिर ये मेरा वहम है? नहीं, तुम्हारा वहम नहीं है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद और मेरी साइकिक रिसर्च के मुताबिक मुझे जरूर लगता है कि उस बंगले में कोई सुपरनैचुरल पावर है। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा, राइट, जिसका तुमने जिक्र किया, उसने उस बंगले में खुदकुशी की। हो सकता है उसी की आत्मा उस बंगले में भटक रही हो और शायद तुमसे कुछ कहना चाह रही हो। लेकिन आत्मा मुझसे क्या कहना चाह रही होगी? कभी कभी होता है आत्मा अपनी तकलीफ दूसरों को बताना चाहती है, लेकिन शायद हम लोग ही नहीं समझ पाते। तुम कहना क्या चाह रहे हो विशेष? यही जानने के लिए मुझे तुम्हारे साथ उस बंगले में जाना होगा और उस आत्मा को बुलाना होगा। मनीषा, तुम कौन? तुम क्या चाहती? तुम सुन रही हो ना? मनीषा, मैं जानता हूं कि तुम सुन रही हो। मनीषा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां बंगले में क्यों रुकी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मेरे पास है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। Shh.
मेवालाल, कोई तुम्हें समझे या नहीं समझे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुम अव्वल दर्जे के चीट और एक नंबर के फ्रॉड हो। तुम अच्छी तरह से जानते थे ना कि दरबार बंगले में कोई प्रॉब्लम था, फिर भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये बंगला मुझे थमा दिया, क्यों? मैडम रिलैक्स, आप खामखा नाराज हो रही हैं। मैं दो चार दिन में वापस आ ही रहा हूँ ना। मैं ऐसे करता हूँ, जैसे ही मैं आ जाता हूँ मैं घर नहीं जाऊंगा, फौरन ही आपके पास आकर आपका मैटर जो है वो सॉल्व कर दूंगा। मैडम यू जस्ट रिलैक्स प्लीज। बहानेबाजी छोड़ो मेवालाल, और जितनी जल्दी हो सके मुंबई आके इस प्रॉब्लम को सुलझाओ, वरना मुझे ये मामला पुलिस तक ले जाना होगा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है, लेकिन सर में थोड़ा दर्द है। जो कुछ भी सीएंस के दौरान हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है। बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस था। हम तो मनीषा की आत्मा को बुला रहे थे, फिर ये आदित्य की आत्मा कैसे आ गई? आदित्य खुराना जो इस घर का मालिक है, अभी कुछ दिन पहले मैं मेवालाल के ऑफिस में उसे मिल चुकी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आदित्य खुराना जिंदा है तो वो आत्मा किसकी थी? पता नहीं, लेकिन इस आत्मा ने तो बहुत परेशानी में डाल दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा हमें गुमराह कर रही है? आत्मा हमें गुमराह क्यों करेगी? कुछ तो ऐसी बात है जो हमें समझ नहीं आ रही है, और इस बात की सच्चाई अब हमें वही आदित्य खुराना बता सकता है जिसे तुम मेवालाल के ऑफिस में मिली हो। देखिए मिस नेहा, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, पर फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने दिल से यह ख्याल निकाल दीजिए कि उस बंगले में कोई आदित्य खुराना रहता है जो आपको परेशान कर रहा है। सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बचती आई, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर तुम आदित्य हो तो वो कौन है, और अगर वो आदित्य है तो तुम कौन हो? देखिए मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं ही आदित्य खुराना हूं, और मेरे अलावा कोई आदित्य खुराना उस बंगले में नहीं रहता। लेकिन आदित्य तुम्हें तो इंडिया आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं ना, तो तुम्हें कैसे पता कि उस बंगले में कोई आदित्य खुराना रहता ही नहीं था? नहीं मतलब हो भी सकता है। हो सकता है कि तुम्हारी गैरहाजिरी में वहाँ कोई और आदित्य आके रहा हो। हाँ, और ये भी हो सकता है कि उसकी मौत उस बंगले में हुई हो और उसी की आत्मा हो। हाँ? देखो आदित्य, इस मामले को सुलझाने में तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई पुराने टेनेंट्स के रिकॉर्ड होंगे? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ मेवालाल के पास हो सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। और हाँ, एक काम और किया जा सकता है, मेरे अंकल मिस्टर जगमोहन जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं उनसे भी बात कर लेंगे। लगता है ये मामला ज्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है, मुझे इस मामले में पापा से जल्दी बात करनी पड़ेगी। सॉरी, देखिए मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, और मदद नहीं कर सकता आपकी मैं। मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अंकल आ जाएं एक बार फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। विशेष, आई थिंक ये हमसे कुछ छुपा रहा है। नेहा, हमें असलियत का पता तो मिस्टर जगमोहन के आने के बाद ही पता चलेगा। पापा, अरे आप तो 2 दिन के बाद आने वाले थे, पहले कैसे आ गए? क्या करूं बेटा, आना पड़ा। वो मेवालाल ने मुझे बताया कि हमारी वो नई किराएदार, क्या उसका नाम, नेहा, वो हमारे घर के बारे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। अरे वही तो पापा, वही तो, मैं तो मिल भी चुका हूँ उसको, और आपको पता है कि वो जानती है कि उस बंगले के अंदर एक और आदित्य खुराना था। पापा आपने उस आदित्य को मार के मुझे उसकी जगह बदल तो दिया है, लेकिन कहीं ये बात अगर उसे पता चल गई। ये बात उसे कैसे पता चलेगी? ये बात सिर्फ 3 लोग जानते हैं, एक मैं, एक तुम, और तीसरा गिरधारी। यही तो पापा, पापा यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो लड़की इस शहर में एकदम नई है, कोई नहीं जानता उसे, ना वो किसी को जानती है, तो फिर वो इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है इस मामले में? विशेष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब जब आत्मा ने किसी माध्यम के जरिए हम पर हमला करने की कोशिश की, तब तब
ऐसा कुछ क्या हो जाता है कि आत्मा हमला करने वाले के शरीर से निकल जाती है? बात तो सही है, जब उस जोकर ने तुम पर हमला किया तभी कुछ ऐसा हुआ। हाँ, उस दिन सियांस करते वक्त भी जब आत्मा तुम्हारे शरीर में आई थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम हमेशा बचते आ रहे हैं? कोई ना कोई है जो आदित्य की आत्मा को हम पर हमला करने से रोके। इस बात की सच्चाई तो अब सिर्फ आदित्य के अंकल ही बता सकते हैं। अब तो तुम्हें पता है कि इस लाश का तुम्हें क्या करना है। डोंट वरी, ऐसी जगह इस लाश को गाड़ूंगा किसी को गानों का खबर भी नहीं होगी। गिरदारी, तुम्हें फिर से मेरी मदद करनी होगी। मुझे तो लगता है वो लड़की प्रॉब्लम खड़ा करेगी। की बात क्या है? आदित्य की आत्मा हमें माध्यम बनाकर इस्तेमाल करना चाह रही है। वो हमें ये बताना चाह रही है कि उसे किसने मारा है। आदित्य इसी बंगले में रहता था, उसे उसी बाथटब में मारा गया, तो उसकी लाश भी यहीं कहीं बंगले के आसपास होनी चाहिए। लेकिन कहां? विशेष, हमें फिर से उस आत्मा को बुलाना होगा, उससे बात करनी होगी। नहीं, नहीं, मैं दोबारा सियांस नहीं कर सकता। क्यों विशेष? समझने की कोशिश करो, सेंस करने से बॉडी की एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाती हैं। इससे हमारी जान को भी खतरा है। ये तुम कह रहे हो विशेष? I don't believe this. प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं विशेष? मैं तो इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करती थी, लेकिन इतनी सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखने के बाद एक बात तो सच है ना कि वो आत्मा हमसे मदद मांग रही है, और अगर हमारे जरिए किसी आत्मा को इंसाफ मिल रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है विशेष? तुम ठीक कह रही हो, मैं आत्मा को बुलाऊंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। आदित्य मेरे पास आ, आदित्य मेरे पास आ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आदित्य मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो, मेरे पास आ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आदित्य मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को कहां दफनाया है। आदित्य मेरे पास आ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को कहां छिपाया गया है।
यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको पक्का मालूम है कि लाश यहीं पे गाड़ी गई थी? क्या हुआ बेटा? सर पूरा गार्डन छान मारा, पता नहीं कहाँ दफनाया होगा अदिति की लाश। गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाश यहीं होनी चाहिए। पीटर, सबको लेके इधर आओ जल्दी। सर देखिए यहाँ पे कुछ है। बोल किधर? अरे गड़बड़ हो गई यार, उन लोगों का असली आदित्य की लाश मिल गई और साथ में उन्हें वो लॉकेट भी मिल गया। क्या? अब मैं क्या करता, मेरे वहां पहुंचने से पहले उन्होंने लाश खोद के निकाल ली। अब हम क्या करें? तुम फौरन यहां चले आओ। क्या हो पापा, किसका फोन था? गिरधारी। क्या बोल रहा था? उन लोगों को आदित्य की लाश और उसका लॉकेट मिल गया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? लाश फिर तो उन्हें पता चल गया होगा कि असली आदित्य वो था, मैं नहीं हूं। फंस गए पापा, बुरी तरह फंस गए हम लोग। इसका मतलब यही असली आदित्य है। इस गिरधर के चक्कर में कहीं फंसना चाहूं इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़ ले, मैं इस शहर से कहीं दूर निकल जाऊं। तुम तो मर चुके हो, ये कैसे हो सकता है? ये क्या, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। देखो तुम, मुझे माफ कर दो, मुझे मैंने सब चिंता के बेकार में भी किया, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। देखो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। देखो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। का मतलब यह है कि आखिर इन लोगों को पता चल ही गया कि मैंने आदित्य की लाश को कहां दफनाया था। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर जगमोहन, हमें यह भी पता चल गया कि उसे मारने में कौन कौन शामिल था। आप सब लोग मुझे इस चक्रव्यूह में फंसाने के लिए आए हो, लेकिन याद रखना, अगर मैं एक खून कर सकता हूं तो दूसरा खून भी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों खूनों की सजा एक ही होगी और एक बार।
मेरी दुनिया में। इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए मेरी आत्मा इस बंगले के अंदर भटकती रही। जब तक मैं आपको नहीं मार देता मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर पीटर ने हमारी मदद नहीं की होती तो शायद ये काम हम कभी कर ही नहीं पाते। नेहा, नेहा, तुमने मेरी लाश को ढूंढकर जो मेरी मदद की है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। वरना वरना मैं अपना बदला पूरा करने के लिए मनीषा जैसे कितने बेकसूर लोगों की जान ले लेता। मनीषा का खून तुमने किया था? मुझे एक बात बताओ आदित्य, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? मैं हमेशा कैसे बचती रही? क्योंकि तुम पे एक नेक आत्मा का साया है जो हमेशा तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे पति की आत्मा आज भी तुम्हारे आसपास है। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।